98 यहाँ भी आपने डलवाया हुआ, तो क्या लगता है जेब पे कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, मनमोहन जो बने थे जिस समय पीएम बने थे उससे पहले पेट्रोल क्या रेट था? 10 साल में मनमोहन सिंह वाला जो जिस समय मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट वाला आया था, 10 साल में 38 से 78 रुपए हो गया, 78 नहीं बीच में 82 रुपए भी हमने खरीदा। कांग्रेस क्यों हारी है? उस कारण से थोड़ी ना कांग्रेस हारी है, घोटाले के कारण हारी। अभी आप घर से निकलोगे गाड़ी लेके 100 रुपए का एक लीटर तेल हो गया कई राज्यों में, 98 यहाँ भी आपने डलवाया हुआ, तो क्या लगता है जेब पे कहीं ना कहीं कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सही है। 100 रुपए है तो सही, किस हिसाब से सही है? घर से बाहर आप निकलते हैं जी, बिल्कुल। पानी कौन सा पीते हैं? बिस्लेरी का बॉटल पी लेते हैं? नहीं, हम तो घर से लेकर निकलते हैं। नहीं, घर से निकलते नहीं। कितने लोग हैं देख लेना, बॉटल देखना जी जी, कितने लोग हैं जो कि बॉटल लेकर निकलते हैं? घर से पानी लेकर नहीं निकलता, और पानी पीने में 20 रुपए का खर्च आता था। मैंने कहा मैं पेट्रोल जलाता हूँ, एक टैंक या दो टैंक मैं फुल कराता हूँ, दो टैंक में कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे किया? कितना पे करा? कितना किया आप बताइए, कितना बताइए, आप बताइए। बहुत ज़्यादा पे, बहुत ज़्यादा अभी पेमेंट किया तो 1502 रुपये का कुल मिला के। कहना ये है जो महंगाई बढ़े आपके हिसाब से कि अरे महंगाई किसके जमाने? नहीं, आप एक मुद्दा है, 68 जब पेट्रोल था, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात जी, बिल्कुल आपकी सुनेंगे। लीजिए, पेट्रोल जब यूपीए गवर्नमेंट जो ये मनमोहन जो बने थे जिस समय पीएम बने थे उससे पहले पेट्रोल क्या रेट था? क्या रेट था? 68 था जब मोदी जी, 38 रुपये था जिस समय की यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर पेट्रोल किस रेट तक हमने खरीदा है? किस रेट तक खरीदा? 68 गलत, आप 78 रुपए तक हमने पेट्रोल खरीदा। लास्ट टाइम में आके हुआ 78 रुपए हमने खरीदा, तो 78 रुपए खरीदा वो 10 साल में कितना बढ़ा? कितना? 38 से 78 हो गया, कितना बढ़ा? 10 साल में 38 से 78 हुआ। 10 साल में मनमोहन सिंह वाला जो जिस समय मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट वाला आया था, 10 साल में 38 से 78 रुपए हो गया, 78 नहीं बीच में 82 रुपए भी हमने खरीदा। एक बात और है, जब उस समय जो पेट्रोल का पैदल पेड होता है 123 था, इस समय पैदल पेड मतलब जो घोटाले के कारण हारी है। हम पैसे पर अगर देखिए, डायरेक्ट टैक्स है, घोटाले का मुद्दा नहीं, घोटाला महंगाई के पास कौन सा घोटाला है? घोटाले का, घोटाला कौन सा बता दो, मुद्दा महंगाई घोटाला। राफेल का डील किसको दिया था? राफेल का डील सुप्रीम कोर्ट तक जांच दे दिया है, उसमें बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, कहीं नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, प्राइवेट क्या है? प्राइवेट जानते हैं आप, प्राइवेट अगर होता है तो प्राइवेट निजीकरण जो है, निजीकरण आज ऐसा नहीं है कि निजीकरण पहले बैंकों का होना स्टार्ट हुआ है, अभी निजीकरण अगर निजीकरण की तरफ से वो सब मुद्दा एक्सिस बैंक आप जान लीजिए, नहीं जानते हैं ना, अगर मंदबुद्धिता वाली बात है, अगर बहकावे वाली बात है, एक्सिस बैंक पहले यूटीआई बैंक, सबसे पहले एक्सिस बैंक सेमी पीएसयू बैंक जो स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा ये निजीकरण वाला जो है सभी देशों में चलते रहता है, ये कंपनी को बेच रहे हैं हम, कंपनी सिंगल कंपनियां नहीं बेची जाती है, उसका तब बेचा जाता है, महंगाई से कुछ असर नहीं पड़ रहा है। जो वो सब मुद्दा एक अलग है, उस पर अलग जब डिबेट अगर कर, नहीं, वो पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, जब नहीं जानते आप, सिर्फ मुद्दा है कि महंगाई से कुछ असर नहीं पड़ा, सिर्फ हाँ नहीं पड़ा, बिल्कुल मतलब आपके लिए अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है।